स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल PI विद नील, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन विद नील। आज हम बात करने वाले हैं फॉरएवर के एक अमेजिंग प्रोडक्ट के बारे में। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, आई नो। और गाइज, आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर भी कर सकते हो ताकि और लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिल सके फॉरएवर के अमेजिंग प्रोडक्ट के बारे में। आज हम एक और न्यूट्रिशन लेंगे, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, जो कि बहुत ही फेवरेट है बहुत सारे लोगों का। इम्यूनिटी बूस्टर का रोल आज की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पर। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं विटामिन सी जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में, जो कि आपकी इम्यूनिटी को इन्हेंस करता है, आपकी बॉडी में एंटीटिक सेल का निर्माण करता है, जो कि ओवरऑल हेल्थ को आपकी इंप्रूव करने की क्षमता रखती है। विटामिन सी की बात करें तो हमारी बॉडी में वो स्टोर नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपसे बात करूँ तो विटामिन सी हमारी बॉडी से बहुत जल्दी निकल जाता है। उसको हमारी बॉडी में थोड़े समय तक रहने के लिए आपको एक नेचुरल सोर्स को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि हम मार्केट से जितने विटामिन सी खरीदते हैं या हम खाते हैं, हम सब्जियां भी खा रहे हैं, हम फ्रूट्स भी खा रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको सिंथेटिक मिल रहा है। बट अगर आप फॉरएवर का यूज़ करते हो, फॉरएवर का विटामिन सी यूज़ करते हो, तो वो आपकी बॉडी में अप टू 4 आवर्स तक टिकता है। तो कितनी अच्छी बात है कि नेचुरल सोर्स से आपको मिल रहा है और साथ में आपकी बॉडी में ज़्यादा देर तक टिक रहा है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है बहुत सारे लोगों को होती है, तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है विटामिन सी। कहीं ना कहीं हमारी बॉडी का एक बहुत ही बड़ा एक पार्ट प्ले करता है, जो कि डस्ट पार्टिकल्स को, जो कि आपके फॉरेन पार्टिकल्स को बॉडी में से निकाल के बाहर करता है। या आप नेचुरल वे में लेना चाहो विटामिन सी को, या आप सिंथेटिक वे में लेना चाहो, वो आप पे डिपेंड करता है। आप आजकल मार्केट से सिंथेटिक ही वे में ले रहे हो, बट आपको अगर नेचुरल वे में मिल जाए, जो आपको फ्रूट से एक्सट्रैक्ट होकर डायरेक्टली आपको मिले, तो कैसा रहेगा? बहुत ही बेस्ट रहेगा, राइट? तो वो आपको फॉरएवर प्रोवाइड करता है। आपको फॉरएवर की जो बॉटल होती है उसमें अराउंड आपको 100 टैबलेट्स मिलती हैं, जिसको आप डायरेक्टली चूज सकते हो और वो डायरेक्टली आपके ब्लड में इंटेक हो जाता है और उसकी वजह से आपकी ओवरऑल बॉडी में वो सर्कुलेट होता है। और उससे होता है क्या है कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, आपको फॉरेन पार्टिकल्स बाहर से छू भी नहीं पाते। आपको धूल मिट्टी लगेगी तो, बट वो अंदर रिएक्ट नहीं करेगी। और तीसरी बात कि लंग्स से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसको छूमंतर कर देता है। आजकल लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में बहुत सारे लोग परेशान हैं। आपको भी पता है कि बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं अभी की प्रॉब्लम हो जाती है और सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, सीढ़ी चढ़ते चढ़ते हाँफने लगते हैं, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। इनडायरेक्टली वो प्रॉब्लम कहाँ से हुई? फॉरेन पार्टिकल्स से, बाहर के जो बैक्टीरिया, बाहर के जो वायरस जो एंटर किया आपकी बॉडी में, उसकी वजह से कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉब्लम हुई। तो उस लॉन्ग टर्म का सॉल्यूशन क्या है? हम तो बाहर से ले लेते हैं सिंथेटिक जो मेडिसिन होती हैं, उससे होता है क्या, इनडायरेक्टली हमारी किडनी पे, हमारे लीवर पे इफेक्ट पड़ता है। उसको ख़त्म करने के लिए, उसको एलिमिनेट करने के लिए फॉरएवर का जो है आपके पास विटामिन सी, वो काम में आता है। अब फॉरएवर का विटामिन सी बहुत सारे तत्वों से मिलकर बना है, नेचुरल तत्व हैं, जो कि सबसे पहला जो इसमें जो आपके सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उसके ऊपर का जो छिलका है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं उसमें से लिया गया है, बहुत ज़्यादा उसमें होता है। और दूसरा, जितने भी आपके सिट्रस फ्रूट्स हैं, जैसे कि आपका हो गया संतरा, मौसम्मी हो गया और नींबू हो गया, इन सब में से आपको एक्सट्रैक्ट लिया गया है एकदम नेचुरल तरीके से। तो उसको एक पैक करके छोटी सी गोली में तब्दील कर दिया गया फॉरएवर की तरफ से। उसको आप इंटेक कर सकते हो, उसको आप चूज सकते हो, डायरेक्टली वो ब्लड में जाता है। अब ये किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है ये भी बात कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो विटामिन सी है, आप हर एक एज में खा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको एक निर्धारित एज में खाना है, या आप किसी भी टाइम खा सकते हो। आप अगर बच्चे हो खा सकते हो, आप अगर एल्डर हो खा सकते हो, आप अगर एक एथलीट हो आप खा सकते हो, आप एक स्पोर्ट पर्सन हो आप खा सकते हो, आप जिम जाते हो तो भी खा सकते हो। विटामिन सी का रोल हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारी लेडीज़ हैं, वो कहीं ना कहीं जो एक अच्छा ग्लो चाहती हैं वो नहीं मिल पा रहा है। मार्केट से बहुत सारी एक्सक्लूसिव क्रीम्स को यूज़ करती हैं, बट प्रॉब्लम क्या होती है, अंदर से विटामिन सी की कमी होती है बॉडी में। तो उसको कहाँ से पूर्ति करेंगे? तो उसकी पूर्ति फॉरएवर का विटामिन सी करता है। क्योंकि आपको भी पता है कि हमारी बॉडी में जैसे जैसे विटामिन सी की कमी होती है, हमारी बॉडी का टेक्सचर खराब होने लगता है, ग्लो खत्म हो जाता है और एक मुरझाया हुआ चेहरा लगता है। बट जिसकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी रहेगी, उसका चेहरा ग्लो भी करेगा, उसकी स्किन ग्लो करेगी और उसके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहेगी। अगर मैं बात करूँ आज के टाइम पे पॉल्यूशन कितना ज़्यादा है, आपको भी पता है, आप घर से निकलते हो कितना ज़्यादा, यहाँ पे दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। यहाँ पे जो पॉल्यूशन है 500 PPM को भी क्रॉस कर देता है। तो उसको कहीं ना कहीं कम करने के लिए आप तो कुछ कर नहीं सकते, बट आप अपनी बॉडी को सही रखने के लिए विटामिन सी तो ले सकते हो। और फॉरएवर का विटामिन सी से बेस्ट तो आपको विटामिन सी मिल ही नहीं सकता। कैंसर में भी बहुत अच्छा काम करता है। मतलब अगर किसी को कैंसर सेल्स हैं, अगर किसी को कैंसर की प्रॉब्लम हो भी गई है, मतलब इन द फ्यूचर अगर होने के चांसेस भी हैं, फॉरएवर का C+ उसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है और एलिमिनेट करने की ताकत भी रखता है, अगर अगर लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करा जाए तो। विटामिन सी के और भी फायदे हैं, जैसे कि हेयर्स में इनडायरेक्टली हेल्प करता है, हेयर ग्रोथ में, स्टमक के प्रॉब्लम्स को दूर रखता है, लंग्स में सबसे अच्छा काम करता है। आंवला, जो आपने सुना है बचपन से, हम कहीं ना कहीं सुनते आ रहे हैं आंवले में बहुत सारे गुण होते हैं, बहुत सारा आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और आंवले के सारे गुण आपको इसमें मिलते हैं। और एक बहुत ही बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, क्योंकि हमको हमारी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है।
जब कहीं ना कहीं कोई फॉरेन पार्टिकल आ जाता है, तो ये बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। स्किन के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। अगर स्किन किसी की बहुत ज़्यादा रफ हो चुकी है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, बहुत ज़्यादा लोगों को एलर्जी होती है किसी भी चीज़ से, तो फॉरएवर के विटामिन सी को इंटेक कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को यूज़ करा सकते हो आप, बड़ों को यूज़ करा सकते हो, सारे के सारे पर्सन इसको यूज़ कर सकते हैं। और जो सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते हैं, इसको भी मैं कहना चाहूँगा, सिगरेट एक सिगरेट पीने से 2.5 मिलीग्राम आपकी बॉडी में विटामिन सी खत्म हो जाती है। तो उसका निर्माण कहाँ से होगा? आप जगह अगर सिगरेट भी पी रहे हो, तो उस पर्सन को जो भी सिगरेट पी रहा है या मतलब जो भी नशे की लत का शिकार है, उसको अगर आप फॉरएवर का विटामिन सी दे दोगे, मतलब सी प्लस दे दोगे, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ से निजात पा लेगा, धीरे धीरे करके वो छूट जाएगी, लत उसकी छूट जाएगी। तो ये भी एक काम है फॉरएवर सी प्लस का, जो कि बहुत अच्छी तरीके से इनरोल हो रहा है। बहुत सारे जो यंगस्टर हैं इसको यूज़ कर रहे हैं, और आप भी इसको यूज़ करा सकते हो अपनी फैमिली में, अपने खुद के लिए और अपनी फैमिली की अच्छी हेल्थ के लिए, अच्छी सेहत के लिए। और इसको कब कब लेना है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप इसको दो टाइम ले सकते हो, दिन में और रात में ले सकते हो, खाना खाने के बाद, कोई इशू नहीं है। खाना खाने से पहले भी ले सकते हो, बट एक घंटे का गैप होना चाहिए। इसको आप चूस सकते हो और धीरे धीरे ये टॉफ़ी की तरह आपके मुँह में, मतलब जैसे कि आपने ऑरेंज वाली टॉफ़ी होगी, थोड़ा सा सिट्रस का आपको यहाँ पर टेस्ट आएगा। ऑरेंज वाली टॉफ़ी प्लस सिट्रस का टेस्ट थोड़ा सा, मतलब हार्श वे में सिट्रस का टेस्ट आएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपको डीप मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में सिट्रस फ्रूट्स इसमें मिलाए गए हैं, तो वो आपको लग सकता है। और बच्चे इसको स्टार्ट कर सकते हैं 10 से 12 की एज से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और दिन में दो बार, और जिसको बहुत ज़्यादा एलर्जी है स्किन से रिलेटेड, तो दिन में 3 से 4 बार भी खा सकता है, कोई इशू नहीं है। क्योंकि 100 इसमें टैबलेट होती हैं, तो आप उनको इंटेक कर सकते हो। तो ये था मेरा एक सिंपल सा शॉर्ट वीडियो, विटामिन सी का रोल हमारी बॉडी में क्यों इंपॉर्टेंट है, और आपको फॉरएवर का सी प्लस क्यों खाना चाहिए। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, आपने विटामिन सी फॉरएवर का ट्राई किया है, नहीं किया तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं डेफिनेटली आपको उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। या अगर आपको अगर बाय भी करना है, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से, तब तक के लिए बाय।